गोरखपुर फैजाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव के बाद होने वाली मतगणना की तैयारियों के संबंधित बैठक मंडलायुक्त व रिटर्निंग ऑफिसर जयंत नालिकर की अध्यक्षता में आयुक्त सभागार में संपन्न हुई। बैठक में एडीएम सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव, एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह, डीपीआरओ हिमांशु शेखर ठाकुर सहित मतगणना से जुड़े संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में मंडलायुक्त जयंत नालिकर ने कहा कि गोरखपुर फैजाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र का मतदान 1 दिसंबर को होना है, जिसकी मतगणना 3 दिसंबर को गोरखपुर विश्वविद्यालय स्थित वाणिज्य संकाय परिसर में किया जाएगा, जिसके लिए मतगणना स्थल पर बैरिकेटिंग के साथ अन्य व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं, जिसको लेकर सभी अधिकारी अपनी तैयारियां पूरी कर लें। मतगणना कर्मियों को प्रशिक्षण भी दिया जाए तथा कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत मतगणना को सकुशल सम्पन्न कराया जाए। शाम का वो नेट कनेक्टिविटी ठीक है वहाँ पर? हाँ सर, ठीक है, कल चेक हो गया है और अभी भी वहाँ पर लोग हैं। बीएसएनएल का दे रहे हैं और किसका दे रहे हैं? सर एयरटेल एक स्टैंडबाय के लिए आ गया है। दोनों काम करेंगे आप? नहीं सर, काम तो एक ही से होगा, एट ए टाइम कोई स्टैंडबाय में रखा है इनकेस अगर कुछ। एक आप लोगों से रिव्यू करने का उद्देश्य है जिससे कि हम लोग देख सकें कि हमारी तैयारियों का स्तर क्या है और कहीं पर हमसे कोई चूक तो नहीं हो रही। सो मैं अधिकारी वाइज जाना ठीक रहेगा? सर जी सर। सो एडीएम सिटी साहब को दायित्व दिया गया है इस बार, एडीएम सिटी साहब को बहुत बड़े दायित्व दिए गए हैं। प्रभारी पूरा वो काउंटिंग जो है मतगणना एक बहुत बड़ा दायित्व है सर। सर और वो इसलिए भी इस चुनाव में बहुत बड़ा दायित्व है कि मतपत्र तो जरूर कम होते हैं, वोट तो जरूर कम होते हैं, बट सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम की वजह से काउंटिंग डिफिकल्ट, जो काउंटिंग चैलेंजिंग होती है। जी आप हैं तो डिफिकल्ट तो कुछ होगा नहीं। नहीं सर, आपका आशीर्वाद। चैलेंजिंग जरूर होता है इन द सेंस कि आपको ट्रांसफर करना है और ट्रांसफर शीट्स होंगी, कई चीज़ें होंगी। मैं शुरुआत में एक दो चीज़ें जरूर कहना चाहूँगा आप सभी से कि हर स्टेप पर हमें कोविड का ध्यान रखना है। कोई भी ऐसा काम नहीं होना चाहिए, वैसे तो सारी प्रक्रिया इन कैमरा हो रही, कैमरे से हो रही है, कैमरे के सामने हो रही है, बट कोई ऐसा जहाँ हो कि कल को माननीय निर्वाचन आयोग या चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर उत्तर प्रदेश की तरफ से हमें कोई जो है नोटिस इश्यू हो, और कम होने से भी काम हो जाता है। जैसे मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा, ये एजेंसी की साहब वाला ही का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसी में से मैं कहना चाहूँगा। जैसे कि आप जब बैलेट पेपर लाते हैं तो फिर भी ये काउंटिंग करते हैं कि सुपरवाइजर या अकाउंटिंग ऑफिसर या काउंटिंग स्टाफ जो भी आप काउंटिंग पर्सन हैं, उसके बाद जब कैंडिडेट वाइज शुरू होगा और हमें ट्रांसफर करने होंगे, वो काम आरओ टेबल पर ही होता है निर्देश के अनुसार, और उस समय आपको कई लोग, थोड़े से कम लोगों की जरूरत पड़ेगी। मेरा अनुभव ये होगा, पीडब्ल्यूडी से हैं सर, हाँ, पीडब्ल्यूडी इसको इसलिए एक अतिरिक्त आप वेटिंग सेट बना दें हमारे पर्सनल के लिए, वो लोग वहाँ जाके वेट करें, अपना चाय पिए, जो भी करना है, लेकिन उस हॉल से उनको निकाल दीजिए, क्योंकि कोविड की वजह से हम नहीं चाहते कि वहाँ पर देखिए आपके 16 कैंडिडेट किसी को ट्रांसफर किया तो उसका सेट वो इलिमिनेट हो चुका है, तो आपके बैग्स बने होंगे, पार्सल, सब पार्सल एग्जॉस्टेड, कैंसिल, इसलिए ये बात जरूरी है कि वहाँ से पर्सनल को हटा दें आवश्यकता अनुसार, जितनों की आवश्यकता हो वहीं पर रहें। दूसरी चीज़ मैं और कहना चाहूँगा, वो आप ही के दायित्व से जुड़ी हुई है, हमने प्रस्ताव 14+1 का भेजा है, बट एक्चुअली जिस प्रकार का वोट होगा मुझे लगता है 40,000-42,000 वोटर हैं, हम 7 टेबल से भी काम चला सकते हैं, क्योंकि जैसे ही आप टेबल की संख्या कम करते हैं वैसे ही एजेंट्स काउंटिंग एजेंट कम करते हैं। उस समय ध्यान नहीं दिया, हम लोगों ने प्रस्ताव भेज दिया, लेकिन आपको हाइपोथेटिकली मैं कह रहा हूँ, जो इलेक्शन का ट्रेंड रहा है, सपोज एजेंट आपके ×16 बन रहे हैं, स्पेस है इस नहीं आप समझ नहीं जाएंगे, स्पेस होने से क्या होता है, स्पेस अंदर आप लोगों पर नहीं देंगे, ठीक है, 20,000 वो सो उतनी काम करने के लिए आपको 14 टेबल नहीं चाहिए, वो भी प्रिंटली काम करने के लिए, फिर तो आपका सब इस पर आ जाएगा, तो क्या इसलिए जब काउंटिंग एजेंट को आप इशू कर रहे हैं लेटर,